एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग जिले के एक बहुत ही प्यारे गांव में जिसका नाम है बांगर। तो चलो चलते हैं। तो अभी हम थोड़ा आगे आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कितना अच्छा नजारा है। बहुत ही सुंदर गांव और वो नीचे है गांव, उस गांव का नाम है ठेला गांव और पीछे ऐसी वादियां हैं। रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे हमें झरने दिख रहे हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा ठंडा हो रहा है। यहाँ पे धूप बहुत कम ही आती है और मैंने गलती करी कि मैं टी शर्ट पहन के आया हूँ। मुझे कुछ सर्दियों के कपड़े रख लेने चाहिए थे। पर देखिए कितना सुंदर नजारा है यहाँ पे, झरना है। और ये पुल है और अभी हमें जाना है इससे आगे। चलो चलते हैं। तो अब हम जैसे जैसे ऊपर पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे कोहरा भी बढ़ता जा रहा है और ये चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, ये देखिए। और अभी हम यहाँ से चलेंगे दुगड्डा और फिर दुगड्डा से हमें एक डेढ़ घंटे का सफर और करना है और फिर हम पहुंचेंगे अपने स्पॉट में। चलो चलते हैं। हमें एक पुल पे एक और बहुत ही बेहतरीन झरना देखने को मिला है। Wow, यार, this place is really very awesome। और अगर मैं आपको उस तरफ दिखाऊंगा तो उधर हो रही है स्टेप फार्मिंग। ये पुल है और पुल के पीछे वो झरना है और अभी उधर आगे स्टेप फार्मिंग हो रही है, पर यहां से दिखाई नहीं दे रही तो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। चलो चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये पूरी स्टेप फार्मिंग हो रही है ऊपर तक। अभी मैं आपको पास जाके दिखाऊंगा। और अभी हम पहुंच चुके हैं मयाली के मार्केट में और अभी यहाँ से हमें थोड़ा सामान लेना है और फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने स्पॉट के लिए। चलो चलते हैं। तो अभी हम अपनी डेस्टिनेशन से थोड़ी दूर हैं पर यार ये जगह देखो यार, आप एकदम स्वर्ग। पीछे आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे। कुत्ता की आवाज, कुत्ता तो भौंक रहा है, वो तो नीचे से भौंक रहा है। बहुत बढ़िया जगह है यार, मतलब यहाँ के ऐसा लग रहा है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ के। चलो फिर चलते हैं आगे, पहुंच के दिखाते हैं आपको वो गांव और भी ज्यादा सुंदर है। तो बने रहिए और आगे जाके अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो गांव कहाँ पे है। चलो चलते हैं। जाते हुए एक और झरना मिल गया है हमें और अभी हम बस पहुंचने ही वाले हैं। हमें यहाँ से अप्रोक्स आधा घंटा तक लग जाएगा पुलन बांगर पहुंचने में। और कुछ ऐसे ऐसे नजारे हैं रास्ते में, कुछ ये ऐसा रूट है जिससे हम आ रहे हैं। तो चलो चलते हैं। जगह हमें जाना है वो जगह हमारे सामने है ठीक, और कल हम जाएंगे बदानी ताल। तो बदानी ताल का रास्ता ये ऊपर वाला है और अभी आज हम नीचे वाले रास्ते में जा रहे हैं। आज हम पूलन बांगर गांव में स्टे करेंगे और कल हम चलेंगे बदानी गांव में। चलो चलते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं गांव के पास और मैं आप लोगों को गांव दिखाता हूँ कहाँ पे है वो गांव।
सामने आपको गांव दिख रहा है, हमें उस गांव में जाना है और अभी हम धार के इस तरफ हैं और हमें उस तरफ जाना है उस गांव में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पूलन बांगर गांव में और आज हम यहीं स्टे करेंगे और कल हम दिनौल्टी चलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ओ सॉरी, वो क्या नाम है उस जगह का? बदानी ताल। ओ सॉरी, हम बदानी ताल चलेंगे। चलो चलो चलो, आप ये देखो मेरे पीछे आप झरना, और हमने आज रास्ते में आते समय इतने सारे झरने देख लिए, इतने सारे झरने देख लिए कि अब मेरा मन रुकने का मन नहीं कर रहा है झरनों पे। तो अभी हम पूलन बांगर गांव में पहुंचने वाले हैं और आज रात को हम पूलन बांगर गांव में ही स्टे करेंगे और कल हम यहां से चलेंगे बदानी ताल के लिए। तो आप बने रहिए और कल का ब्लॉग जरूर देखना क्योंकि कल हम जाएंगे बदानी ताल। तो चलो चलते हैं। है पार्किंग स्पॉट, यहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अब हमें इस रास्ते से नीचे होते हुए पूलन गांव में जाना है। चलो चलते हैं। आप लोगों को दूर दूर से झरने दिखा रहा था पर अब हम पूलन गांव में पहुंच चुके हैं, तो आप लोग पास से देख लीजिए। चौंग झरने पहुंच चुके हैं और बहुत ही अच्छा पानी, ठंडा पानी है बहुत। तो चलो अब चलते हैं गांव। तो अभी हम पूलन बांगर गांव की तरफ चल चुके हैं, यहाँ से हमें कोई लेने आया है, हम उनके साथ उनके घर जा रहे हैं। ये मेरे भैया है, उनके साथ उनके ससुराल जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे नजारे हैं यहाँ पे। चलो चलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पहुँचने में आज बहुत लेट हो चुकी है और कल हम निकलेंगे यहाँ से बदानी ताल के लिए। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सी यू इन अवर नेक्स्ट व्लॉग ऑफ बदानी ताल। बाय बाय। आजकल मैंने स्कूल में भेजे।